69,000. That's how many people are homeless across L.A. County, according to the latest. Read the sigh of relief at what numbers show as only a slight increase in the homeless population. In fact, the population is up across the county and in the city of Los Angeles. No city should live with this, no community should live with this, and we have to be fueled by that. Never accept what we see. इस हॉस्टल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ब्रेकफास्ट बहुत लिमिटेड है। एंड आज दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे हॉस्टल में मेरे साथ क्या हुआ। मैंने सोचा यार हॉस्टल शेयर्ड हॉस्टल में एक कपल्स एंड इसी हॉस्टल में रात के 3 बजे एक कपल, आप सोचोगे शेयर्ड हॉस्टल में ऐसी चीजें कैसे हो सकती है यार। रात के 3 बजे एक कपल मेरे सामने, ओ माय गॉश, मैं क्या बताऊं यार। भाई ये कोई डिंग डोंग करने की जगह थोड़ी है। आई वाज जस्ट रियली सरप्राइज्ड। सो ऐसा भी होता है, उन्होंने मुझे उठा दिया रात के 3 बजे। मेरा तो एक ही रूल है यार वॉकिंग अराउंड एलए कि आई कीप 10 फीट डिस्टेंस फ्रॉम द होमलेस पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे वॉक करना बहुत स्केरी लगता है क्योंकि दे शाउट सो लाउड, इतना ज़्यादा शाउट करते हैं कि धड़कने बढ़ जाती है। पहुंच चुका हूँ अपनी कार रेंटल प्लेस। तो मैं गेट अराउंड से कार मैंने बुक की है और गेट अराउंड इज लाइक एयरबीएनबी फॉर कार्स। आप किसी के घर से कार उठाओ और उनके घर में ड्रॉप कर दो, तो किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में ये पार्क्ड है। यहाँ से मैं उठाऊंगा, फोटोज लूंगा फॉर इंस्पेक्शन एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल। इट वॉज ओनली $60 फॉर ऑल डे एंड मुझे अंडर 25 होने के कारण 10% ज़्यादा देना पड़ेगा एंड अदर देन फ्यूल चार्जेस देने पड़ेंगे। सो ओवरऑल $100 लगेगा इंक्लूडिंग टैक्सेस, फीस, अंडर 25 फी एंड फ्यूल। इन्होंने चाबी नीचे लॉक में छुपाई हुई है, इसे अनलॉक करना है विद अ कोड एंड देन ऑल सेट। सो गुड बाय टू दिस हॉस्टल। बहुत मजा आया, बहुत ही क्रेजी पार्टी हॉस्टल था यार। ऐसी चीजें मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। मेरा हॉस्टल इतनी ज्यादा अच्छी लोकेशन में है, इट्स नियर वॉक ऑफ फेम, जहाँ पे 3200 सेलिब्रिटीज के नाम दिखते हैं आपको ऑन द ग्राउंड इन वॉक ऑफ फेम एंड हॉलीवुड साइन वहां पर। ये डाउनटाउन ही है जहाँ पे सबसे ज्यादा होमलेस होते हैं एंड आई एम गोइंग टू द स्किड रो पार्ट ऑफ एलए। डाउनटाउन ऑफ एलए इज वेरी स्केरी, आई एम एक्चुअली गोइंग देयर। एक पार्ट है एलए में कॉल्ड स्किड रो व्हिच हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ होमलेस पीपल ऑल अराउंड द यूएस। मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। आपको बता दो पूरे यूएस में अगर सिटी वाइड देखा जाए सबसे ज्यादा सिटी वाइड होमलेस पीपल भी एलए में, अराउंड 4 मिलियन पीपल। सो आज मैंने बिना सेल्फ ड्राइविंग के भी पैरेलल पार्किंग करी ली। So that means I haven't forgotten how to drive. छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ती हैं कि चाबी भी निकालनी है, टेस्ला की याद में। ये जो आप शॉप्स देख रहे हो ये शॉप्स एक्चुअली 9 AM टू 6 PM तक खुली होती थी, बट सिंस जो होमलेस पीपल की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है एवरी ईयर बिकॉज ऑफ दैट दे यूज टू वॉक इनसाइड एनी ऑफ दी शॉप्स, तो उनसे बचने के लिए इन्होंने अपने आवर्स सिर्फ 11 to 5 PM कर दिए, क्योंकि ओनली डे टाइम हैज बिकम सेफ फॉर दी शॉप्स एंड फॉर पीपल टू वॉक बाय। और कुछ शॉप्स तो बंद भी हो चुकी हैं परमानेंटली। इट्स सो सरप्राइजिंग। मैं एलए आने से पहले सोचता था कि एटलांटा में बहुत ज़्यादा क्राइम रेट है, पर यहाँ पर एवरी अदर स्ट्रीट में स्टैबिंग शूटिंग इतनी ज़्यादा हुई हुई है। अगर आप फैक्ट्स देखोगे एलए डाउनटाउन के, क्राइम रेट बहुत बहुत ज़्यादा है। और मेरा रूल ऑफ थंब है कि मैं हर टेंट से 10 फीट दूर वॉक करता हूँ, तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। सो आप भी 10 फीट या 6 फीट मिनिमम डिस्टेंस रखो। लाइफ में कभी भी इतना अनसेफ फील नहीं किया बिकॉज यहाँ पे सारी शॉप भी क्लोज है, यहाँ पे कोई लोग है ही नहीं एक्सेप्ट होमलेस पीपल, से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं तो अपनी कार में वापस जा रहा हूँ। दिस इज द ओनली शॉप दैट्स ओपन। दिस इज द टॉय शॉप। मैं एक्चुअली डर कर वापस जा रहा हूँ, कुछ इंजॉय करके नहीं, क्योंकि एक बंदे ने मेरी तरफ देख के मुझे बोला ऐसे, मतलब डेथ थ्रेट खुलेआम यहाँ पे दे रहे हैं। इट्स इनसेन। एंड यहाँ पर कोई भी व्लॉग में नहीं आना चाहता। मैंने किसी से पूछा डू यू फील सेफ हियर, वो मुझसे पूछता कि डू यू गॉट $1 million, मैंने कहा नो, देन यू आर सेफ। क्या सुंदर घर है एलए में, वाह बहुत ही सुंदर घर है।
मैंने नोटिस किया कि सिविक में भी काफी अच्छा एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है, तो ये बेसिकली रेडार सेंसर से डिस्टेंस मेजर कर रहा है एंड इट्स एबल टू स्टॉप, इट्स प्रीटी गुड। टेस्ला लेने की किसी को जरूरत नहीं है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। बस डिफरेंस ये है कि ये स्टेयरिंग नहीं संभाल सकता, वो मुझे संभालना पड़ेगा। बाकी काफी कूल फीचर्स है इसमें भी। और ट्रैफिक यार एलए का बहुत ही ज्यादा बुरा है, 20 मिनट्स का स्टॉप डाउन मुंबई की तरह, मतलब गाड़ी ऐसे ऐसे इतने 10 की स्पीड से भी कम चल रही है काफी देर से। And now I'm finally अपने नए roommate के साथ। By the way, can you please introduce yourself? Yes, this is Aryan. I am from Mumbai and I make music. So I'm here. You study music, right? Yes, sir. अभी हम जो नई location पे आए हैं, this is called small tiny village location in LA. यहाँ पर नए घर बने हुए हैं विद टैक्स पेयर्स ऑफ यूएस, अराउंड $4 बिलियन का टैक्स अमाउंट लगा है ऑफ यूएस सिटीजन, जिनकी वजह से ये घर बन पाए। चाइनीज होम्स है वो एक्चुअली बैरियर की तरह लॉक्ड है, हम जा नहीं सकते, पर ये थोड़े से ही घर सिर्फ 60,000 लोगों को अभी अकोमोडेट कर पाए एंड एवरी ईयर मोर 60,000 पीपल आर बिकमिंग होमलेस हियर। तो जितना पैसा लग चुका है उससे कई गुना ज्यादा लगेगा अगर 4 मिलियन के 4 मिलियन लोगों को घर प्रोवाइड करना है इन द सिटी ऑफ एलए। इट्स जस्ट इनसेन, मतलब जितने लोग होमलेस एवरी ईयर बन रहे हैं उतने के ही अब तक टोटल घर बने हैं। आई जस्ट कैंट फिगर आउट कि कैसा हो सकता है सिटी में। इट्स क्लोज टू द पब्लिक, नो एंट्री। काफी ज्यादा सिक्लूड किया हुआ है फ्रॉम द पब्लिक, ट्रैश शूट्स में कचरा है एज कम्पेयर टू ऑन द साइडवॉक। एंड वी शुड रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी, तो मैं भी अंदर जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा और मुझे डर है कि इतनी ज्यादा स्टैबिंग्स एंड शूट आउट्स होते हैं किसी भी होमलेस बंदे के पास हो सकती है गन, क्योंकि मुझे एक बार तो वार्निंग भी दे गई थी। एंड दोस्तों आज हमने एक्सट्रीम दोनों पुअरेस्ट साइड ऑफ अमेरिका एंड रिचेस्ट साइड ऑफ अमेरिका भी देख ली, बिकॉज नाउ वी आर इन रोडियो ड्राइव, वन ऑफ द richest neighborhood of LA, and यहाँ पर जो आप घर देख रहे हो they are up to $500 million, because most expensive house जो मैंने YouTube और अपनी research पे देखा है that is $500 million, जिसके अंदर chandelier तक $1.5 million तक का दिख सकता है आपको। So it is drastically different कि एक जगह पर 60,000 लोगों के लिए $4 बिलियन खर्च हो रहे हैं और versus अमीर लोग $4 बिलियन 2-3 घरों में उड़ा रहे हैं। सो इट्स जस्ट ड्रास्टिक, राइट? इट्स क्रेजी, या। लाइटर ही $180 की ईयरबड, $700 स्पीकर्स, $480। The Paris store one is crazy. उन्होंने बताया कि जो सारा सामान है it is either in Paris or in LA in the store. और सारी चीजें बहुत ज्यादा overpriced है for celebrities. दो दो Ferraris back to back, Ralph Lauren के सामने. Nice. ब्रांड है जिसकी सबसे ज्यादा मैंने सेकेंड कॉपी इंडिया में देखी है, राइट? अरमानी के सबको सभी घड़ियों का शौक होता है। आर्यन कैन यू गेस कि ये लेदर की जैकेट कितने की होगी? शाहरुख खान काफी मूवीज में पहनता है ये जैकेट एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी ऐसी चीजें पहनी गई हैं। जल्दी से गेस करके। $5,000 भाई, इतने कितनी जल्दी कैसे? इट्स एक्चुअली $4,500। मैं भी शॉक था यार, $4,500 की लेदर जैकेट। I was close. ब्रिलियंट। मैं तो बोलता $500 की होगी यार। कैन यू गेस द शूज? ये अमीरों की तिजोरी, इसका प्राइस भी नहीं लिखा हुआ। इनका ट्राई रूम भी इतना बड़ा है एंड लग्जूरियस लग रहा है, कारपेट लगाया हुआ है उन्होंने नीचे एंड लकीली कैमराज यहाँ पे नहीं है, बहुत बाहर बहुत ज्यादा कैमराज है। ऑडी शॉडी साढ़े पिंड विच रुलती, सबने मॉडिफाई कराई हुई गाड़ियां, वो बाइकर ने भी मॉडिफाई कराई हुई है। ये विंटेज कार भी यहाँ पर, एक और फरारी। Oh, it's a Corvette. अब तक मैंने मोस्ट एक्सपेंसिव चीज देखी वो सूटकेस एंड जैकेट $5,000 की। या तो 3 महीने का रेंट पे कर लो, या जैकेट खरीदो, या सूटकेस खरीदो। लाइफ में पहली बार मैं फरारी का स्टोर भी देख रहा हूँ।
इन्होंने गुच्ची के शूज में प्राइस टैग निकाला हुआ है। दे जस्ट वांट टू टेल अस कि यार खरीदना खरीदो, नहीं खरीदना ना खरीदो। शौक तो कोई मूल नहीं होता, तो प्राइस टैग इज नॉट अ थिंग हियर। गुच्ची का कोट $4,000। ओ ये शूज $4,000 के। अभी गुच्ची के शो में मैंने लाइफ का सबसे एक्सपेंसिव जूता देखा, $3,400। इनसेन। लुई वुटांग की दो स्टोर से यहाँ पर इतना पैसा है, वो भी कॉर्नर वाला। सेम गाड़ी दोबारा आई है यार, लगता है इन्हें पैसे मिलते घूमने के लिए। Products जैसे leather वगैरह, fur वगैरह, जिससे animals की death होती है, against animal violence. Louis Vuitton की दो stores हैं protest कारण, दूसरा store ही बंद हो गया था temporarily अभी. पहली बार मैं इतने करीब से देख रहा हूँ Rolls Royce को. Wow. Airport से यहाँ आने में 4,000 रुपए मतलब $50 लगे. Exactly. Oh my God, Uber बहुत expensive है। कार रेंट हमने सिर्फ $60 में ऑल डे कर ली। Uber से भी सस्ती कार रेंट है यहाँ पर। And Beverly Hills is one of the only place मैंने देखी है जहाँ पर silver fire hydrants and यहाँ पर left and right side पर maximum जगहों पर trees भी symmetric है। जहाँ पर left tree वहाँ पर right tree and exactly same tree। देखा? हाँ ये देखो, अगर यहाँ पे आप खड़े हो जाओ तो बिल्कुल पैरेलल वो ट्री दिख रहा है, देख रहे हो कितनी सिमेट्री है, पूरी लाइन ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे आके सीधी। सो ये सामने ट्री, तो यहाँ से खिड़की है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक और ट्री और काउंट भी ऑलमोस्ट सेम है, लेफ्ट में जितने हैं और राइट में जितने सेम है। और याद है GTA 5 में कितने ज्यादा वाइट हाइड्रेंट्स को उड़ाया, कितना पानी निकल जाता है उसमें। एंड नाउ वी गोइंग टू सैंटा मोनिका बीच। सनसेट व्यू में देख रहा हूँ, और कैलिफोर्निया को येलो स्टेट कहते हैं ना, गोल्डन स्टेट। हाँ, गोल्डन स्टेट, गोल्डन व्यू। यही गाड़ी पे मैं GTA 5 में सेंटा मोनिका के पास आता हूँ। दिस इज प्राइसलेस। ये घर कितने एक्सपेंसिव होंगे, कैन यू गेस? मतलब 20 मिलियन, 30 मिलियन, पता नहीं कितने के होंगे घर। 5 to 6 million, राइट? इंडिया जैसे लगते हैं ना घर ये भी। इस बीच की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है एंड यहाँ पे पानी ठंडा है। अगर आप अटलांटिक ओशन की तरफ जाओगे नियर मायामी बीच, वहाँ पे पानी काफ़ी वार्म होता है, यहाँ पे थोड़ा ठंडा है, पर ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। मैंने लाइफ में इतना क्राउडेड बीच नहीं देखा एक्सेप्ट मुंबई बीच, जुहू बीच। हाँ, यहाँ पर सारे स्टॉल्स मैक्सिकन है, एंड वी गोना गो फॉर टमालीज व्हिच इज अ बरीटो। और अभी भी यार गोल्डन आवर चल रहा है, वाइब्स आर अमेजिंग।
Superman.